ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा। और ये ऊपर तेल है क्या है भाई? यार ये समझ में नहीं आ रहा भाई, ये है क्या? कि ये है जी कढ़ाई पनीर, पनीर के पीसेस सही लग ठीक रहा है। है, 2 या 3 पीस है। हाँ तीन तीन तो पीस है है, जी। पर ये मजा नहीं आया भाई, मेरे को तो नहीं स्वाद लगा, तेरे को कैसा लगा? स्वागत है जी आप सबका छोटोरा पॉइंट की एक और नई वीडियो में। भाई आज हम बना रहे जी फैमिली बुफे की वीडियो, और ये फूड हमने मंगाया जी मोहित ढाबा और से। फैमिली बुफे में भाई हमारा टारगेट ये होता है कि हम रेंडमली जो है ना नए नए ढाबों से जो है ना खाना मंगवाए, और ढाबा भी वैसा हो जो बजट फ्रेंडली हो। और 4 से 5 लोगों के लिए ना ये अंडर 1000 रुपीज के अंदर ये बुफे तैयार हो जाए, तो हमारा टारगेट यही होता है जी। अब जो जो आया है वो आपको दिखाएंगे, बाकी टेस्ट करेंगे और अपना एक्सपीरियंस जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो जी पैकेट ओपन करते हैं जी और चीजों को निकालते हैं बाहर। एक चीज मुझे पहली बार अच्छी लगी है कि पैकिंग को ना मतलब सेफ्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया मतलब है। ढाबे ने बहुत ध्यान दिया है कि अच्छे से पैक होकर जाए। बिल्कुल, साथ में जी ये ढेर सारा प्याज, अगर ढाबे से मंगवाओगे तो प्याज तो आएगा ही। और और इसमें है साथ जी में हमारी रोटियां। रोटियां, ठीक है। अब ये पैकेट खोलते हैं। चलो जी पैकेट में से ना हमने बाहर निकाल लिया और इनके टेपे ना ब्रेक कर दिए हैं। अब एक एक करके डब्बियों को ओपन करते हैं जी और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या आया है जी। चम्मच चाहिए होगा जरा, इस तरह से तो समझ में नहीं आ रहा भाई, बटर लेकिन क्रीम वगैरह तो अच्छे से डली हुई है। ओके। ये है जी कढ़ाई पनीर, पनीर के पीसेस सही लग ठीक रहा है। है, 2 या 3 पीस है। हाँ तीन तीन तो पीस है है। जी। और बाकी मसाला वगैरह काफी अच्छा लग रहा है, ग्रेवी अच्छी लग रही है ना। कैप्सिकम वगैरह चीजें दिख हाँ रही हैं। 3 या 4 पीस है भाई, ले 4 पीस पनीर के सही है। हैं, बाकी कैप्सिकम प्याज तड़का वड़का जो है ना काफी अच्छा लगा हुआ है। और भाई ये सारी दाल सब्जी जो भी है ना हमने हाफ प्लेट मंगवा रखी अभी है। हाफ में मंगवाई है जी, थोड़े अंदाजा हो जाए। नेक्स्ट ओपन करते हैं जी। अब ये क्या है? इसके लिए भी चम्मच चाहिए होगा, भाई ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा। और ये ऊपर तेल है क्या है भाई? यार ये समझ में नहीं आ रहा भाई, ये है क्या? ओके, अब ये क्या है भाई? एक और पनीर की ये सब्जी एक है। और पनीर की एक सब्जी तो है। पनीर मसाला करी थी ना। हाँ मेरे ख्याल से देखियो जरा पहले कौन सी, मेरे को तो इसमें भी वही सेम शिमला मिर्च वगैरह। हाँ पनीर मसाला एक। ये पनीर मसाला है, वो कढ़ाई थी क्योंकि डार्क कलर था ना। पनीर मसाला भी यार सेम ही लग रही है मेरे को तो ग्रेवी कुछ ऑलमोस्ट ज़्यादा। सेम ही है। बस ये थोड़ा सा इसमें ना ये ऊपर बटर डाला हुआ है पंकज। हाँ और पनीर के पीसेस जो है ना थोड़े से लंबे वाले कर हाँ दिए। इसमें पनीर का साइज़ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया जी, बाकी ग्रेवी तो मेरे को सेम ही लग रही है। जब टेस्ट करेंगे तो मेन तो तब उस टाइम पे पता और दोनों चलेगा, पनीर की सब्जी का रेट भी बिल्कुल सेम है। दोनों का सेम है। हाँ चलो अभी आपको बताते हैं जब टेस्ट करेंगे। अब ये क्या है जी? ये भी देख लेते हैं। ओ भाई ये मिक्स हो जाए। ये मिक्स वेज है। अच्छा पहले मैं था, मेरे को क्या लगा कि एक और पनीर की सब्जी। सब्जी की रंगत तो अच्छी लग रही है। अब ढाबे से आया है तो ढाबे में भाई इस तरीके का ही खाना होता है, थोड़ा सा जरा वो तेल घी जो है ना ज्यादा यूज ज्यादा करते ज्यादा हैं। यूज करते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं भाई, इस सब्जी की जो रंगत है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, बढ़िया। अब नेक्स्ट देखते नेक्स्ट जी हैं। हमारे पास 2 डब्बियां रह गई हैं, अब इनको एक साथ ही खोल देता हूँ, ये भी और ये वाली भी जी। एक में राजमा है और दूसरे और में जी ग्रेवी चाप। ठीक है, ये है जी हमारी ग्रेवी चाप। इसमें चाप के पीसेस ठीक है, मीडियम साइज है, और ब्रेक अच्छे करके ना मसाले वगैरह हाँ वाली अच्छे है। मसाले वाली लग रही है जी। और एक है जी हमारे पास ये राजमा भाई। ओ हाँ राजमा कभी अच्छे लग रहे हैं हाँ यार, है दाल ना। नहीं आई। दाल हम भूल गए यार, दाल मखनी तो यार हमारे को करनी चाहिए एक थी, बार पहले भी ऐसे हुआ है एक हमारे बार साथ। पहले भी हुआ है। चलो ये 5 चीज़ें जी हमारी ये हो गई लो जी। जी ये एक है जी हमारे पास प्लेन राइस, ठीक हल्का है। सा धनिया डाल के गार्निश कर और दिया। जी इसके साथ में ना हमने 4 तंदूरी बटर बटर रोटी रोटी मंगवाई है जी। और ये देख, अच्छा ये भी ब्रेक करके दी है, चलो ठीक है। और रोटी भाई काफ़ी नरम सॉफ्ट एकदम बढ़िया लग रही है। अब 4 इसके साथ में ना हमने आज और कुछ भी नहीं मंगवाया, हमारा मेन मकसद था कि ज़्यादा जो है ना सब्जियाँ मंगवा लें ताकि हमें ऑप्शन पता चल जाए कि भाई इनके पास और क्या क्या वैरायटी है। बाकी भी आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी सब्जी सबसे बढ़िया लगी लुक के हिसाब से। अब टेस्ट करते हैं जी, आ जाओ फटाफट। बारी है जी अब फूड टेस्ट कर रहे हैं जी, और शुरुआत हम करने लगे जी। आज अपने पास दाल मखनी नहीं है तो मिक्स वेज से जो है ना उससे शुरुआत करते हैं। आ जाओ जी, लग तो काफी अच्छी रही है, अब टेस्ट करके बताते हैं आपको स्वाद कैसा है। भाई साहब टेस्ट मजा आ गया, इतना जबरदस्त स्वाद है ना,
टू गुड भाई। इस तरीके के ढाबे में मिलते हैं ना बढ़िया मसालेदार चटपटी मिक्स वेज, उस तरीके की बनी हुई है। तेल थोड़ा सा ज्यादा है, उसको अलग कर लोगे तो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल अलग कर लोगे तो जी मजा आ जाएगा। तेल वाकई में थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, लेकिन टेस्ट बहुत कम आ रहा। अल्टीमेट मजा आ गया भाई, क्या ही शुरुआत हुई है ना, एकदम मसालेदार बढ़िया बनी हुई है। इंडिविजुअल प्राइस भी बताते जाए, सारों का मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, बताने हैं तो वैसे भी बता भी, फिर भी बता दे। ठीक है, आलू मिक्स वेज यार टेस्ट वाकई में। मिक्स वेज का प्राइस है जी हाफ प्लेट 119 रुपए। नेक्स्ट भी हम ट्राई करने लगे हैं जी राजमा। ठीक है जी, आ जाओ जी इसका स्वाद बताते हैं आपको। टेस्ट जो है ना काफी कम मार का, मसालेदार। जिनको ढाबा का खाना खाना पसंद है ना, दो चीजों से पता चल गया उनको मजेदार लगेगा। भाई साहब यहाँ मसाले फिर भी थोड़े से लाइट थे, मेरे को ये भी तेज लग रहे थे मैं सही बताऊं तो, लेकिन राजमा में तो भाई साहब अच्छे खासे मसाले डाल रखे हैं। ये बढ़िया बने हुए राजमा चावल खाने में मजा आएगा, मजा आएगा जी। ये है राजमा जो है ना, बिल्कुल जो प्लेन बॉयल चावल के साथ खाने वाले ना, बहुत कमाल, बहुत कमाल के जी, मजा आ गया यार। ये है भाई ढाबे का खाना, और ये है जी मात्र 99 रुपए, 99 रुपीज में हाफ हाफ, मगर हाफ भी सही है, 500 ml के करीब है क्वांटिटी। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट जी हम ट्राई करने लगे हैं जी पनीर मसाला, थोड़ी सी ग्रेवी और ले लेते हैं, आ जाओ जी टेस्ट करें। ये मजा नहीं आया भाई, मेरे को तो नहीं स्वाद लगा, तेरे को कैसा लगा? इसमें तो ना वो जो होता है ना अनियन भी मेरे को ना पूरा सही से भुना हुआ नहीं लग रहा, कच्चेपन का टेस्ट आ रहा है। प्याज के कच्चेपन का टेस्ट इसको सबसे ज्यादा बेकार कर रहा है। पहली बाइट में ही वो वाला टेस्ट अजीब सा आया। और दूसरी बात ये कि इसमें ना ग्रेवी का भी स्वाद बढ़िया नहीं आया, और ग्रेवी स्वाद बनेगी नहीं जब प्याज सही से नहीं भुना हुआ, नहीं भुना हुआ सही, मजा नहीं आया यार। पहली दो चीजें जो खाई थी ना भाई वो अल्टीमेट थी, उन दोनों में तो इतनी तारीफ कर दी। इसका प्राइस पता है? ये देखना, हाँ ये 179 रुपीज। और जी नेक्स्ट जो है ना जी हम ट्राई करने लगे हैं इनकी ये मसाला चाप जी, और इसका प्राइस आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, इसका प्राइस है जी 109 रुपए। मेरे को तो मजा नहीं आया भाई, तेरे को आया? एवरेज है, हल्का सा में जो स्मोकी फ्लेवर फील हुआ है और कुछ नहीं खास पता चला भाई। पहले दो चीजों में मिक्स वेज में और राजमा में तो इतने अच्छे फ्लेवर, इतना अच्छा स्वाद, वो तो उनका हॉट सेलिंग आइटम होगा जो ढाबों में डेली बनता है ना। बिल्कुल डेली बनने वाली चीज है, तो इसलिए तो एक्सपीरियंस अच्छे लेवल मेरे को। लेकिन ना पनीर अगर अच्छा नहीं निकला था तो मेरे को चाप से बहुत ज्यादा उम्मीद थी जी। लास्ट अब हमारे पास कढ़ाई पनीर है, और ये भी ढाबों में बहुत बनता है, रेगुलर बनने वाली चीज है। अब ये देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा है, और इसका प्राइस है जी 179 रुपीज। ये सब्जी भाई फिर भी स्वाद है, मैं सही बताऊं तो हाँ इसकी ग्रेवी अच्छी है, मसाले इसमें भी लाइट है, जिस तरीके से राजमा में जो है ना सबसे ज्यादा तगड़े मसाले डले हुए हैं, उसके बाद कई चीजों में मसाले लाइट ही हैं ऑलमोस्ट, है ना। सही बात है। सबसे बेकार अगर इसमें हमें जो सब्जी जो बिल्कुल भी मजा नहीं आया ना भाई वो पनीर मसाला, पनीर मसाला। ओवरऑल फूड अच्छा लगा है, एक चीज जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ भाई वो है राजमा चावल, राजमा चावल, क्योंकि भाई ये ना मुझे लग रहा है कि राजमा तो भाई स्वाद है ही, है ना। इनको मिक्स करते हैं और इसका टेस्ट बताते हैं आपको, कर ले बाइट ले इसकी जरा, और ये चेक करते हैं, आ जाओ। इसका टेस्ट अच्छा है भाई, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है जी। और प्लेन राइस का प्राइस बता दे, प्लेन राइस है जी 99 रुपीज़ के, चार रोटी आई है हमारी 80 रुपीज़ की, टोटल हमारा बिल बना है जी 912 रुपये। देखो आज ना मकसद ये था कि ज़्यादा चीज़ें मंगवा लेते हैं और आपको जो है ना वैरायटी दिखाते हैं। अब जैसे इसमें क्लियर समझ में आ गया भाई, यहाँ से मिक्स वेज मंगवाई जा सकती है, राजमा मंगवाए जा सकते हैं, चाप भी चलो आप फिर भी मंगवा लो, कढ़ाई पनीर ट्राई कर सकते हो, ठीक है ये सब मंगवा सकते हो। बाकी इसके अलावा बहुत सारी वैरायटी, मतलब जो प्राइस है वो कस्टमाइजेशन है, आप कुछ घटाओगे बढ़ाओगे वो आपके अकॉर्डिंग बन जाएगा। हमने आज ये सोचा कि भाई रोटी जो है ना हम घर पे, हमारे पास इतनी सब्जी है कि हमारे घर पे आराम से ये आज का डिनर हो जाएगा, रोटी घर पे बना लेंगे। आपको हमारी ये आज की वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।